सत श्री अकाल जी, बहुत स्वागत है आप सब दा सितारे की कहंदे ने प्रोग्राम विच। मैं आप सब नाल जसीमान। जदों कोई तुहाडे तो पुछ रहा है कि तुसीं की करदे हो, की काम कार है तुहाडा, की स्टेटस है, तां इसका मतलब कोई अंदाजा लगा रहा है सामने वाला कि तुहाडे नाल किस तरह गल कीती जावे। तुहाडा स्टेटस, तुहाडा नाम ही तुहाडे लई इज्जत दा कारण बनदा है। जी हाँ, कई बार की असीं करदे हां कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नूं भी इग्नोर करदे हां जां उसनूं असीं इंपोर्टेंस नहीं दिंदे। इदां वैसे करना नहीं चाहिदा। जरूरी नहीं है कि किसी का दिखावा, किसी का नाम ही उसकी प्रतिभा नूं जाहर करे। गुणी व्यक्ति वह हुंदा है जो कि हमेशा ही अपने गुणा नूं दूजे दे सामने उजागर ना करके अपने तौर ते हर चीज विच निपुण ते अपनियां दी मदद करदा रहे। गुण दा मतलब है कि जो कुदरत ने तुहानू दिता है उसनू तुसी किस तरीके नाल वरत रहे हो, अपने समाज विच, अपने आले दुआले विच, अपने घर परिवार विच, अपनियां विच। इस करके गुण ते गुणी दोनों ही तुहाडे अंदर लुके हुंदे आ ते परमात्मा दी देन है। इस दे नाल इह नहीं कि किसे नूं किन्नी इज्जत दित्ती जावे कि उसका स्टेटस की है। चलो, ये शुभ विचार सी अज दा। इस तों बाद आपां करदे आं अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत। जानदे आं पंचांग। 20 जुलाई 2022 दिन है बुधवार दा। तिथि दी गल करिए तां अज रहेगी अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष दी, यानी हनेर पक्ष चल रहा है ते अष्टमी तिथि है। रेवती नक्षत्र चल रहा है जी। रेवती नक्षत्र गंढ मूल दा नक्षत्र है। 12:51 तक चलेगा। उस तो बाद अश्विनी नक्षत्र वह भी गंढ मूल है। इस करके अज पूरा दिन जन्म लैण वाले बच्चे नूं गंढ मूल की पूजा लगेगी, शक योग रहेगा ते मीन राशि विच चंद्रमा बने रहेंगे 12:51 तक। उस तो बाद जाणगे मेष राशि विच। मेष राशि विच मंगल राहु की युति पहला तो बनी हुई है। चंद्र उस दे नाल युति बनाएंगे दोपहर तो बाद। पंचक समाप्त हो जाएगी जी। जो 15 तरीक की पंचक चल रही सी ना, वह अज समाप्त हो जाएगी दोपहर नूं 12:51 ते। सूरज अज पुष्य नक्षत्र यानी शनि दे नक्षत्र विच जाणगे, रहणगे उही घर विच, कर्क राशि विच। पहला गुरु दे नक्षत्र च सी ते अज शनि दे नक्षत्र विच चले जाणगे सूरज महाराज 10:48 ते दिने। ए सी दोस्तों पंचांग, ग्रहां दी स्थिति, नक्षत्र दा प्रभाव, सारियां चीजां दा प्रभाव है जी। कौन किस दे घर, किस दृष्टि नाल, किस सोच नाल, किस नक्षत्र विच बैठा है, किस ग्रह दी दृष्टि पै रही है, असल विच ए ही ग्रहां दा हिसाब किताब हुंदा है। कोई दैवी दावा थोड़ा ही है, कोई जादू थोड़ा ही है, कोई वहम भरम थोड़ा ही है। असल दे विच ए इक साइंस है, विज्ञान है, इसका अपना अलग तो लॉजिक है। चलो, आपां उन्हां नूं मुबारकां देईए जिन्हां दा अज दे दिन जन्मदिन है, शादी दी सालगिरह है। ढेर सारियां मुबारकां जी तुहानूं। वधिया जावे तुहाडा आउण वाला साल, कामयाब रहो तुसीं जिंदगी दे विच। कामयाबी जो है ना, हमेशा इंसान नूं बुलंदियां ते लैके जांदी है ते परिवार दा बड़ा हाथ रहिंदा इस विच। सारे ग्रह किस्मत दे सही करना चाहुंदे हो, अपने माता पिता दा, घर विच वड्डियां दा आदर सत्कार ते आशीर्वाद लेंदे ही रहो। ज्यादा उपाय करन दी जरूरत पवेगी ही नहीं। रिश्ते खराब तां समझो सितारे अपने आप खराब हो गए। अज दे दिन किसे मजदूर नूं खाना खिला दवो, वधिया रिजल्ट मिलेगा। नाल ही आपां जानदे आं तुहाडे सितारे ते प्रोग्राम दे अखीर विच वास्तु टिप भी दवांगे। सब तो पहला एरिज यानी मेष राशि वालियां दा अज दा दिन किस तरह दा जावेगा। दोपहर तक ते 12वें चंद्रमा रहेगा, इस करके थोड़ी घबराहट जिही महसूस हुंदी ही रहेगी। आर्थिक स्थिति नूं लै के भी ते नाल घर दे माहौल नूं लै के भी। कई बार की हुंदा ना, साडे अपनी भी कई बार गलती हुंदी है। असीं दूसरियां नूं सलाह दिंदे आ कि चेंज करो, अपने आप नूं इह करो, उह करो, कि अपने अंदर भी झाती मार के देखना चाहीदा। मंगल राहु दी युति तुहाडे लगन विच बहुत ज्यादा एग्रेशन दे रही है तुहानूं। थोड़ा मैडिटेशन करो चंगा रहेगा। रेड कपड़े तो परहेज करो, वधिया रहेगा। लाइट कलर पहनो। हुण रेड कलर मंगल दा है ते मंगल पहला तो राहु नाल है, उसनूं होर मजबूती की देनी जो पहला ही मजबूत है। ते इस करके वाइट जां क्रीम कलर अज तुहाडा लकी रहण वाला है। शहद दा दान कर सकदे हो, मंगल शांत रहेगा। टॉरस ब्रिक राशि वाले, ब्रिक राशि वालियां दे दोपहर तो बाद खर्चे वधन वाले आ, मानसिक परेशानी वधन वाली है ते नाल ही अखां दी प्रॉब्लम भी आउण वाली है। कच्ची लस्सी दे छिट्टे मारो जी अखां दे विच। विदेश लई सितारे तुहाडे चंगे, चेंज ऑफ प्लेस लई चंगे, कामकार चेंज करन लई भी चंगे आ। बेस्ट ऑफर मन नूं खुशी ही देवेगी। कोशिश करनी है जी तुसीं आलूआं दा दान भी कर सकदे हो जां कपूर दा दान भी तुहाडे लई शुभ रहेगा।
जैमिनी जानी मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों के सितारे जो चल रहे ने अच्छे ने। कई बार सानू चंगे कामों का रिजल्ट भी चंगा नहीं मिलता, वेट करनी चाहिए। चंगा वो है जो तुसी चंगा किया, जो तुहाडे मन नूं चंगा लगा, ते नाल सरकारे दरबारे जो तुहाडी कोई एप्लीकेशन लगाई है जां तुसी कोई जॉब लई अप्लाई किया है तां उस दे लई तुहानूं पॉजिटिव फल रिजल्ट जां पॉजिटिव अगे तो अप्रोच मिल सकती है। कोशिश करनी है सूरज बुद्धि युति नूं होर ज़्यादा अच्छा करन दे लई पिता की सलाह नाल ही चलो। कैंसर जानी कर्क राशि वाले, सूरज बुद्धि युति लगन विच गुरु चंद्र ने नौवें अच्छा फल दिता है, ते हुण गुरु दे नालो चंद्र अलग होके चले जाएगा चंद्रमा दसवें स्थान विच। दसवें स्थान विच राहु नाल युति बनाएगा। पिता की सेहत खराब हो सकती है, पिता नूं घर विच परिवार विच पिता की सेहत नूं लैके जां पिता नूं लैके कोई परेशानी वध भी सकती है। घरेलू कलेश तो बचने लई कुत्ते नूं रोटी पाउंदे ही रहो, ते कीड़ियां नूं शक्कर आटा भी पाओ। सूरज का प्रभाव तुहाडे लई शुभ ते नेक होवे, इसलिए अपने गुस्से ते कंट्रोल रखो ते मिठा खा के पानी पी लवो। नाल ही अज का लक्की कलर तुहाडा रहेगा हल्का जिहा स्काई ब्लू, जां तुसीं वधिया रहेगा लैमन कलर पहनो। बृहस्पति का साथ भी मिलेगा। लियो जानी सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों का ऑरेंज कलर अज लकी रहेगा। नाल ही गुरु चंद्र की युति दोपहर तो बाद अच्छी हो जानी है। घबराहट जो कि अपने फ्यूचर नूं लैके तुहानूं होई पई सी, अपनियां प्लैनिंगां तुहाडियां सक्सैस नहीं हो रही, इस करके दिल अंदरों हौल जे पै रहे सी, वह हुण ठीक हो जाएगा। माता की सेहत भी हौली हौली ठीक होंगी जाएगी। कोशिश करनी है जी दोपहर तो बाद अपने इष्ट नूं मत्था जरूर टेकना है, ते थोड़े जे चौल विच दुध दा छिट्टा मार के जल प्रवाह कर देने ने। मच्छियां नूं चौल पाउण ते मंगल चंद्र की युति का प्रभाव नेक होगा। वर्गो जानी कन्या राशि वालों के अच्छे गए सितारे दो दिन, ते नाल ही अज जो चंद्र का नक्षत्र बुध दा है ना, तो इसने ते तुहाडे लई अच्छा कर ही देना है। पर दोपहर तो बाद चंद्र राशि तो अठवें चला जाएगा। शरीरक तौर पर लगेगा कि जिदा डाउन हो गया, ज शरीरक परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, गले की प्रॉब्लम, नज़ला जुकाम, उदासी मन से हैवी ही रहेगी। रिश्तिया लैके भी खच्चल खुआरी थोड़ी बढ़ सकती है। कोशिश करनी है जी पंछियों नूं सतनाजा पा देना तुसी। एक ते जो तुहाडे बुध दा नक्षत्र है, बुध पंछियों दे कारक ने, वह अच्छा रहेगा, ते दूसरा तुसी अज अपनी मां दे पैरी हाथ जरूर लगा लेना है। लिबरा जानी तुला राशि वालियां दे लई अज दा दिन जो है जी तुहाडे जामनी कलर ते लक्की रहण वाला है। चंद्र ने राशि च सत्तवें आ जाना है, तुहाडे लगन तुहाडी राशि तो सत्तवें आएगा। छेवें आके भी कोई नुकसान नहीं किया, पर थोड़ी हाजमे की प्रॉब्लम दिती है, ते हुण सत्तवें आके उसने पैसे ले धन ले लक्ष्मी नारायण जो योग बनाना है उसका फायदा हो जाना है। पर जो भी तुहाडा इलैक्ट्रॉनिक समान है जां मोबाइल है जां लैपटॉप वगैरह है, वह भी खराब हो सकता है, इस करके उसनू उसकी संभाल रखनी बहुत जरूरी है। कोई ना कोई नुकसान मन उदास ते परेशान ही करेगा। मंगल नूं शुभ करन लई अपने भरा नाल संबंध अच्छे बना के रखो। स्कॉर्पियो जानी वृश्चिक राशि वाले, विरोधी तुहाडे दबे होए ने, उन्हां दीआं हरकतां ते तुहाडी पूरी निगाह, ते तुहाडे अपने काम जो ने सफल हो ही रहे ने। नाल ही शरीरक तौर ते जो थोड़ी बहुती परेशानी इमोशनल तुहानूं कर रही सी रिश्तियां नूं लैके, उहदे विच वी तुसीं अपनी गल क्लीयर कर सकदे हो। ते चंद्र अज मंगल दे नाल बैठेगा, किस्मत दा मालक, ते चौथी दृष्टि नाल मंगल चंद्र दी युति सूरज बुद्ध दी युति नूं देखेगी। सरकारी लई कोई एग्जाम देण लई, कोई सरकारी टेस्ट देण लई तुहाडे सितारे अच्छे हो जाणगे। तुहाडी हिम्मत ते किस्मत दोनों ही तुहानूं सफल करन लई तुहाडा साथ देणगे। ज़्यादा उपाय करन दी जरूरत नहीं है, पर रात नूं दुध दा सेवन ना ही करो तां चंगा रहेगा। अगली राशि लैने आपां सैजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि वालियां दे लई जो लक्की कलर है उह ग्रे रहेगा, ते नाल मत्थे ते दुध लगाना शनि लई अच्छा, चंद्र लई अच्छा, ते नाल पंजवें स्थान विच मंगल चंद्र ते राहु दी जो युति बन रही है ना, ये तुहानूं पेट दी प्रॉब्लम दे रही है। चंगा रहेगा कि बाहरी खाने तो थोड़ा परहेज रखो, अपने फैसले अपने परिवार की सलाह नाल करो, ते नाल मिश्री का सेवन करके ही घर तों जाओ। कैपरीकॉन मकर राशि वाले, शनि लगन विच है, ते शनि की तीसरी दृष्टि चंद्र बृहस्पति ते पई, सोच काफी नैगेटिव हुई, तुहाडे आले दुआले भी परेशानी आई, सर्कल वाल भी परेशानी, ते हुण की होया चंद्र ने दोपहर तो बाद निकल के चले जाना है चौथे स्थान विच मां दे घर विच। कोई ओपरेट हो सकता है जी किसी का, कोई गठा वगैरह हो सकती है। मंगल राहु का अग्रैशन योग जो है, यह अंगारक योग जो है, यह वीपी भी वधा सकता है। मां की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। हस्पताल जा रहे हो तो उत्थे मेडिसिन दवाइया का दान भी कर सकते हो, किसी जरूरतमंद नूं दे सकते हो, जां उत्थे पानी जरूर पी के आओ, भावें किसी ही वजह नाल तुहाडा चक्कर लग रहा होवे।
नीले रंग तो अज परहेज रख सकते हो, तुसी चंगा रहेगा, शनि भी शांत रहेगा ते शनि की दृष्टि सूरज ते जो है ना ता इस कलर नू बल ना देन ते सूरज शनि की दृष्टि मानसिक स्थितियां नू मजबूत रखेगी। अक्यूरस यानी कुंभ राशि वालों के सितारे जो चल रहे हैं जी, लत्तां बाहां विच दर्द ते तुसी भी महसूस कर रहे हो, पर नाल ही विरोधी तुहाडे दब गए, उन्हां दी जो हरकतां सी ओह भी तुहाडे सामने बिल्कुल जाहर हो गईआं। जॉब करदे हो तुसी तां अपने आले दुआले अपने कुलीग जो ने तुहाडे उन्हां नाल संबंध अच्छे रखो, कोई ना कोई तुहाडी पिठ पिछे जां तुहाडे कम्मांकारां विच अड़चन पा सकदे आ। बृहस्पति चंद्र दी युति दूसरे सी धन लई ते नाल तुहाडे मन लई ते परिवार दा साथ तुहानूं पूरा मिलिया, ते हुण चंद्र ने तीजे जाके दोस्त मित्रां नाल किते घूमण फिरन जाण दा तुसी प्लान बना सकते हो, ते नाल ये सोच सकते हो कि ये प्लान साडा पूरी तरह नाल सफल भी रवे ते नाल सही भी रवे। कोशिश करनी है जी चंद्र राहु दे नाल है, अपने माता पिता की सलाह दे नाल ही तुहानूं हर फैसला करना चाहिए। यात्रा दौरान गले की प्रॉब्लम का ध्यान रखो ते वाहन ध्यान नाल चलाओ। बेशक चंद्र मंगल की युति मजबूत है, पर नाल राहु ने भी आ जाना है, दो ढाई दिन थोड़ा मन बेचैन ते परेशान ते कालेपन विच ले गए फैसले नुकसान दे कारण भी बन सकते हैं। पाइसेज यानी मीन राशि वालों के गुरु चंद्र लगन विच ते नाल चंद्र दोपहर तो बाद धन स्थान विच धन लई कम लई सितारे चंगे, दुद्धा दान करना शुभ, नाल ही वाणी च मिठास रखन ते बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुहानू। गुरु लगन विच है, नवे रिश्ते भी बनणगे, औलाद की प्राप्ति लई सितारे बहुत अच्छे हो गए क्योंकि पंजवीं दृष्टि गुरु ने सूरज बुद्ध ते पा ही देनी है, ते उन्हां दे भविख नू लैके चिंतावां तुहाडियां काफी हद तक घट जाणगियां। एसी दोस्तों तुहाडे सितारे मेष तो लैके मीन राशि विच बैठ के की प्रभाव पाउंदे ने ग्रह गोचर ते नक्षत्र दे मुताबिक। कई बारी की हुंदा है कि शादी तो बाद बड़ियां प्रॉब्लम आ जांदियां ने कि पहला ठीक सी जदों दी मैरिज होई जां जदों दे कोई परिवार विच नवा जी आया तो उस दे नाल घर विच परेशानी आ गई। ए नहीं कि कोई नवा जी आया वह परेशानी लैके आया, बिल्कुल गलत, कोई भी परेशानी लैके नहीं आता, हर किसी के अपने स्टार ने, यह तो वादू वहम है जी। बस ये जरूर है कि हर किसी के अपने भाग ने, तो अपने भाग अपने नाल लैके आता है। जदों भी कोई परिवार विच तुहाडे नवा जी आता है तो उसके सितारे तुहाडे ग्रहां नाल जुड़ जाते हैं, तुहाडे सितारियां नाल जुड़ जाते हैं। शुभता जां अशुभता का फल, शुभ जां अशुभ का फल ते उस घर की दिशा ते भी प्रभाव पाउंदा है। जिदा मान लो तुसी बेटे की शादी की ते नूं तुहाडे घर विच आई, शुक्र का आना अगर तुहाडे घर की साउथ ईस्ट की दिशा यानी कि पूर्व दक्षण की दिशा सही ना होवे, उत्थे टॉयलेट होवे, तां घर विच शुक्र आउंदे शुक्र जागृत होण ते शादी होण ते उस दिशा दियां प्रॉब्लम घर विच चलनियां शुरू हो जाणगियां क्योंकि राहु नाल ही जागृत हो जाएगा। साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम उदों तक नहीं दिती जदों तक चंद्र घर सी यानी मां घर सी, जदों पत्नी शुक्र आई तो वह शुक्र की दिशा जो है वह जाग पई तो उसने परेशान करना शुरू कर दिता। तो शुक्र नूं अच्छा करन दे लई हमेशा गांह रोटी पानी चाहिए है, अपनी वह दिशा शुक्र नाल संबंधित दिशा सही कर लेनी चाहिए है, तो उसके नाल तुहाडे जो परेशानियां ने काफ़ी हद तक घटनियां शुरू हो जाएंगी। समा हो चलिया इजाजत दा, आप सब दा अज दा दिन अच्छा जाए, सत श्री अकाल।